तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, मैंने कल बोला था कि भाई आज रिजल्ट आ जाएगा गिव अवे का, लेकिन तुम लोगों में सब्र नाम का चीज ही नहीं है भाई साहब। सीरियसली मतलब मेरे में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो होना चाहिए ना। सीरियसली मैं मतलब कतई मैं बोल दिया कि भाई कल आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, लेकिन नहीं, मैसेज करना जरूरी है, कॉमेंट करना भाई कल आ जाएगा ना, कल आ जाएगा ना, कल आ जाएगा ना। मतलब क्या, अरे बोल दिया भाई कि आ जाएगा और कितने बजे आ जाएगा। अरे वीडियो जितने बजे आता है उतने बजे ही आएगा, 5 के 8 बीच। मतलब वीडियो के अंदर मैं इतनी सारी चीज़ें बोलता हूँ, बेकार बोलता हूँ, फिर जब मुझे मैसेज में ही बताना पड़ता है सब कुछ, तो अरे तुम लोग देख लो, इतना सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। और भाई साहब मतलब देखो, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरे में भी सब्र नाम की चीज़ नहीं है। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो जिस तरीके का तुम लोग सपोर्ट दिखाए हो अभी तक, उससे दुगना सपोर्ट और दिखाओ ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी तक मैं यूट्यूब से 1 रुपये नहीं कमाता हूँ, लेकिन जैसे ही मोनेटाइज होगा तो मैं कुछ पैसे कमाने लगूंगा धीरे 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 धीरे। मैं जितना ज़्यादा अर्न करने लगूंगा तो मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को रॉयल पास ज़्यादा गिव अवे करने का। अभी मैं 1 रॉयल पास आज गिव अवे करने वाला हूं, लेकिन यदि इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहो तो मैं हर सीजन में एक एक रॉयल पास बढ़ाते जाऊंगा। और भी पता नहीं, जितना जल्दी चैनल ग्रो होगा, मैं जितना पैसा कमाऊंगा उस हिसाब से मैं रॉयल पास का गिव अवे करता रहूंगा। तो भाई साहब तुम लोग सपोर्ट करो, बस यार सपोर्ट करो, बाकी सब छोड़ दो, इंटरटेन भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट करना तुमको, नहीं, मेरे वीडियोज में इंटरटेनमेंट मिलेगी आपको। और देखो मेरा गेम प्ले थोड़ा अभी अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे 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 बेहतर कर लूंगा मैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, आपको सीरियसली बोलता हूं बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ऐसे तबाही देखने को मिलेगी। और वीडियो में कहीं पे भी मिडल में, मैं बीच में कहीं पे भी रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। और उसी के साथ मैं उतर जाता हूं जॉर्जो पुल में, और मेरे साथ 2 बंदे उतरे हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ दो लौंडे नहीं उतरे हैं, मतलब और भी बहुत सारे लौंडे हैं, लेकिन एक बंदा पकड़ा जाता है। देखो और भाई साहब इस लौंडे को कोई ना कोई तो गन मिल चुकी है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा गन है, लेकिन भाई साहब वो मुझ पर फायर नहीं करता, भगते फिरता, और मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, इधर उधर दौड़ता रहता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा फुट से पा रहे थे। देखो सामने, और भाई साहब ये लौंडा भी बच जाता है यार, मतलब एक किल नहीं मिली है मुझे। और भाई साहब UMP की गोलियां खत्म होने वाली है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और अभी अभी चिंता मत करो, एक स्प्रे और करूँगा, वो भी लौंडा नहीं खेलेगा। देखो और भाई साहब मैं सारी गोलियां बर्बाद कर चुका हूं, भाई साहब मेरे पास गोलियां नहीं है, सिर्फ 25 गोली बची हुई है, 25 या 30 गोली बची हुई है, और बॉट मुझे मार रहा है, और मैं बॉट तक को नहीं वापस मार सकता हूं। सीरियसली बोलता हूं, मतलब ऐसी जिंदगी होगी, देखो यार पूरी गोलियां खत्म कर दूंगा मैं। देखो और भाई साहब ये छिपन छिपाई का खेल खेलते खेलते मैंने सारी गोलियां बर्बाद कर दिया, मतलब एक भी किल अपने खाते में नहीं आया। और जिसको अभी नॉक किया हूं वो भी लौंडा अपने खाते में नहीं आएगा, पता नहीं कोई किल चोरी कर लेता है या फिर वो रिवाइव हो जाता है, अपने को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अपने खाते में नहीं आता है। तो मैं बोलता हूं किसी तरीके से लो पिछवाड़ा, उठाओ और भगो यहां से भाई साहब सीधा। और किसी तरीके से मैं भगता हूं, वेयर हाउस पहुंचता हूं, यहां पे मुझे UMP 45 की गोलियां मिल जाती है। मैं बोलता हूं अब तो किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब देखो दौड़ा के, मतलब वेयर हाउस से मुझे फुटस्टेप आ गया है अंदर से, और मैं किस तरीके से अंदर जाके पेलता हूं देखो। और भाई साहब यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही फुटस्टेप आई थी। सीरियसली बोलता हूँ मुझे नहीं पता था यहाँ 2 लौंडे, मुझे पता था 1 लौंडा, क्योंकि आप बैक जाके देख सकते हो रिवर्स करके, एक ही फुटस्टेप आई थी। लेकिन भाई साहब सेकंड जब एक को नॉक करता हूँ उसके बाद दूसरा फुटस्टेप आता है, तब तक मैं रिलोड डाल चुका था, और भाई साहब एग्जैक्टली टाइम पे रिलोड हो जाता है और पेल देता हूँ, नहीं तो भाई साहब इधर ही पेटी बन जाती मेरी। सीरियसली बोलता हूँ, क्योंकि वो बैरल लेके आया था यार। और उसके बाद यहाँ पे एक बॉट भाई साहब आते हैं, उसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ सुन के एक उड़ता हुआ परिंदा मतलब हनुमान बन के आता है मेरी तरफ। देखो क्या होता है। और भाई साहब उसको एक बुलेट लगती है, लेकिन लौंडा नीचे कूद जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे से एक नेट डालता हूँ, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि लौंडा नीचे कूदा है, सामने से तो आएगा नहीं, घूम के ही आएगा। तो भाई साहब एक नेट उठाता हूँ और वहीं पे मतलब कुक करके फेंक देता हूँ जस्ट। और देखो भाई साहब लौंडा ठिल जाता है, मतलब नॉक हो जाता है। उसके बाद की कहानी आप खुद ही देख लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक कहानी है उसके बाद की।
लो हो गया किल चोरी भाई साहब। मतलब इतना दिमाग लगाने का फायदा क्या है? मतलब मैंने उतना प्रिडिक्ट किया वहां से, वेयर हाउस से नेड फेंका वहां पे एग्जैक्टली कि लौंडा उधर से घूम के आएगा, उधर ठिल जाएगा, और वो ठिल गया। मतलब इतना मेहनत किया मैं, उधर से घूम के वापस आया कि फिनिश कर दूंगा मैं। मतलब फिनिश करने की पूरी कोशिश भी की यूएमपी से, लेकिन भाई साहब यूएमपी इतनी सस्ती गन है कि वहां तक गोली पहुंची नहीं आधी से ज्यादा। और भाई साहब कोई किल चुरा लिया, और उसके बाद देखो लौंडा किल जो चुराया ना, उसको तो मैं उसी यूएमपी से उधर ही ठिलाऊंगा। और भाई साहब ये वो लौंडा नहीं है जिसने मेरी किल चुराई, भाई साहब ये उसका पार्टनर था। और इसका पार्टनर मतलब जिसने मेरी किल चुराई वो अलग लेवल पे भाई साहब, 100 आईक्यू का दिमाग लगाते हैं। मतलब एक तो पहले मेरा किल चुराया, उसके बाद लौंडा बॉट फायर करता है। मतलब मैं बोला क्या मेरे मत्थे पे सी लिखा हुआ है क्या? मैं मतलब बॉट फायर सुनते ही दौड़ते भगते तुम्हारे पास चलाऊंगा। मैं बोला ठीक है करो जितना बॉट फायर करना है, कहाँ पे कैंपिंग कर रहा है अपने को नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूँ करो उधर ही रहो, और मैं उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैंने जितनी भी पेटियाँ बनाई थी, इससे पहले मैंने 2-3 पेटी नहीं लूटा था, तो मैं बोलता हूँ जब तक तुम बॉट फायर करते हो करते हो मैं सारी पेटी लूट के आता हूं। उसके बाद मुझे M4 वगैरह मिल जाती है, और बता रहा हूं मैं ना सीरियसली बोलता हूं, M4 मिलने के बाद इससे जो इसकी मौत दी है ना, इससे कई गुना ज्यादा बदतर उसकी मौत मारूंगा मैं, देख लेना यार उसको। देखो यार मतलब M4 मिल गया मेरे को, अब देखो उसकी तबाही, वो भगता जाएगा रोड पे, चलते रोड पे मारूंगा मैं उसको। और भाई साहब अब जाके बदला पूरा होता है। मतलब एक लौंडा होता है सामने से मार रहे हैं, दूसरा फाइट हो रहा है, एक दो फाइट हो रहा है, तो सामने से किल चोरी होगी तो अलग बात होती है। लेकिन भाई साहब मैंने इतना दिमाग लगाया यार उसको मारने के लिए, नेड वेड कहाँ कहाँ से फेंका था, लेकिन लौंडा वो किल चोरी कर लेता तो बड़ा गुस्सा आता। लेकिन अब जाके बदला पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे मतलब यूएमपी ने आज मेरा जॉर्जो पुल में जान बचाया। और यूएमपी इतनी देर तक संभालना बहुत बड़ी बात है, मतलब सीरियसली बोलता हूँ यूएमपी को लेके इतना देर तक नहीं कोई सर्वाइव कर पाता है। और इसी के साथ जॉर्जो पुल खाली हो चुका था, जोन भी अपने ऊपर आ चुके थे, तो भाई साहब निकलते यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, सीधा रोजॉक की तरफ बढ़ता हूँ। और भाई साहब रोजॉक जैसे ही पहुंचता हूँ वहाँ पे एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे को लगता है पहले बहुत शांति है, कोई होगा नहीं, लेकिन एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, वो उससे गलती से चलता है और भाई साहब उसकी मौत आ जाती है, सीरियसली बोलता हूँ। और मैं गाड़ी लेके जा रहा था आगे, लेकिन मैं बोलता हूँ टर्न करो, घुमाओ और पता करो कि लौंडा किस घर से फायर किया है। और उसके बाद देखो मैं ढूंढता हूँ कैसे तरीके से, मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ इधर नहीं, बहुत स्लो स्लो गाड़ी चलाता हूँ मैं, ऊपर चढ़ाता हूँ कि वेयर हाउस में तो नहीं है। फिर उसके बाद पता चलता है कि गाड़ी लगी हुई है, लौंडा इधर है, उसके बाद की तबाही देखो। और भाई साहब ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और तभी मैं धावा बोल देता हूँ। और भाई साहब एक को तो पता भी नहीं चलता है मतलब लौंडा मरा कैसे, मतलब भाई साहब गाड़ी में बैठे बैठे ठिल जाते हैं। उसके बाद एक लौंडा बचाने आता है उसको, वो भी आराम से ठिला जाता है भाई साहब। उसके बाद अपने ऊपर जोन है नहीं तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से सीधा निकल के पहुँचते हैं हम इस वाले घर के पास। और भाई साहब यहाँ बहुत गंदे तरीके से लड़ाई हो रही थी, और मैं ओपन में गाड़ी रोकता हूँ, मैं सोचता हूँ उनको ना पता चले कि मैं आ चुका हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक 3-सीटर भी लगी हुई है, तो मैं देखता हूँ कोई सांप वाप तो ना लेटा, लेकिन कोई नहीं होता, वो जाके उधर ठिल चुके होते हैं आपस में ही। और भाई साहब बसता एक लौंडा, और एक लौंडे को मैं बोलता हूं अब निकलेगा, तो जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश करेगा मैं मार दूंगा। उसके बाद देखो क्या होता है। और भाई साहब वो तुरंत ही गाड़ी से उतर जाता है। उसके बाद मैं गाड़ी फोड़ने की कोशिश करता हूँ कि वो लौंडा भाग ना पाए, और मैं तुरंत जाके रश कर दूँ भाई साहब, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब मैं जैसे ही सोचता हूँ रश करने के लिए, भाई साहब पता नहीं कोई बग्गी मेरे आसपास घूमने लगती है, मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। वो लौंडा रोकता भी नहीं है बग्गी, मतलब ना फाइट लेता है ना फाइट लेने देता, मतलब घुमा रहा है गोल 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 गोल। मैं बोलता हूँ ए भाई मार ले या तो मर जा यार, मतलब गोल गोल इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़। देखो यार मतलब देख लो यार उसको कैसे मारूंगा मैं साले को। और भाई साहब इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कमी खलती है, तो वो एक्सटेंडेड मैग की। सीरियसली बोलता हूँ यदि 30 गोली में लौंडा नहीं ठिलता है, लेकिन 40 गोली में लौंडा ठिल जाता है। सीरियसली में ऐसा अभी 30 गोली में नहीं ठिला था, लेकिन मुझे रिलोड करना पड़ा, मैं गन चेंज कर सकता था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया, पता नहीं क्यों वो इतना तेज़ी से घूम रहा था, इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था इसके लिए। लेकिन भाई साहब यही चीज़ मुझे एक्सटेंडेड की मैग अभी जो 30 है वो एक्सटेंडेड मैग इसके पास भी नहीं मिलती है, लेकिन यही मैग मुझे आगे चल के मरवाएगी सीरियसली में। और वो लौंडा जो
अपना पता नहीं नेट वेट कहाँ से फेंक रहा है, किधर जाके सांप बन चुका है। तो भाई साहब मैं बोलता हूँ इधर से निकल जाओ, रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मुझे बाद में लगता है कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क लेता तो शायद मैं बच जाता। लेकिन मैं यहाँ से सीधा निकाल के जाता हूँ, गाड़ी एक घर के अंडर ठोकता हूँ और भाई साहब उसमें लौंडे होते हैं। पहले ही लड़ रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे मैं ठिल जाता हूँ, मतलब वो भी फंस चुका था, मैं भी फंस चुका था। अब जिसकी गोली ज़्यादा देर तक चलती रही वो लौंडा जीत गया। और ये तो रही भाई साहब गेम प्ले की बात, अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। और भाई साहब ये रहा साइट जहाँ मैं पेस्ट कर दिया हूँ अपने गिव अवे वीडियो का लिंक, और अब कर दूंगा मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक, और आपकी किस्मत आपके हाथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू चंदन यादव, कमेंट क्या है, बेस्ट गेम प्ले भाई, बिग फैन ब्रो, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और जिन लोगों को ये रॉयल पास नहीं मिल सका, तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार और भी ज़्यादा रॉयल पास गिव अवे करने का, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, जाके फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो, और बहुत मज़ा आएगा चैनल पे यार, और सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।